दोस्तों अफगानिस्तान पहुंची वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में तो अफगानी फैंस ने भारतीय झंडा लहराया, जश्न मनाया, तो शोएब अख्तर और शाहिद अफरीदी को मिर्ची लग गई और उन्होंने भारत और अफगानिस्तान पर जहर उगला है। आज अफगानिस्तान के लिए बेहद ही खुशी का दिन है, उन्होंने पहली बार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। आज जैसे ही अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 8 रनों से हराया, पूरे अफगानिस्तान में जश्न का माहौल बन गया, हर जगह छुट्टियां घोषित कर दी गई। बेशक आज का दिन अफगानिस्तान के लिए बेहद ही खास दिन रहा, लेकिन अभी तो अफगानिस्तानियों का दिल जीतना बाकी था। जी हाँ, जीत का जश्न मनाते हुए अफगानिस्तान के फैंस को तिरंगा लहराते हुए देखा गया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अफगानिस्तान इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों के ग्रुप में होने के बाद भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाए। शुरुआत हुई अफगानिस्तान की ऑस्ट्रेलिया की जीत से, जहां पर ऑस्ट्रेलिया भी हक्के बक्के रह गए। वहीं दूसरी तरफ भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर अफगानिस्तान का रास्ता साफ कर दिया। शायद ये भी एक वजह रही होगी कि अफगानिस्तान भारत के झंडे को लेकर जश्न मनाते दिखाई दिए। भारत ने हमेशा अफगानिस्तान के भले के लिए काम किया है, चाहे वो राजनीतिक हो या फिर क्रिकेट। अफगानिस्तान में इस जीत का जश्न मनाया जा रहा था, तब वहां अफगानी फ्लैग के साथ भारतीय झंडे को भी लहराता देखा गया। अफगानी फैंस ने ऐसा कर सभी भारतीयों का दिल जीत लिया, लेकिन शायद ये पाकिस्तानियों को हजम नहीं हो रहा, इसलिए पाकिस्तान के दिग्गजों ने अफगानिस्तान और भारत पर जहर उगला है। लेकिन फिर उन्हें उनके ही मुल्क के खिलाड़ी वसीम अकरम ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। शोएब अख्तर ने अफगानी फैंस को भारतीय झंडा लहराते देख कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, अफगानिस्तान अपनी टीम की जीत से खुश है या भारत की जीत से? अफगानिस्तान ने अपने दम पर सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया है, तो वो भारत को क्यों क्रेडिट दे रहे हैं? ऐसे अपने मुल्क में दूसरे मुल्क का झंडा लहराना सही नहीं है, शर्म आनी चाहिए अफगानी फैंस को। ऐसा ही कुछ राशिद खान ने किया था जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को वनडे वर्ल्ड कप में हराया था। तब तो उन्होंने ग्राउंड पर ही भारतीय झंडा लहराया था, तब भी मैंने इस पर सवाल खड़े किए थे और ICC को एक्शन लेने कहा था, लेकिन तब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। वही इसके बाद शाहिद अफरीदी ने कहा, सबको पता है कि BCCI कितनी पावरफुल है और ICC पर भी BCCI का कंट्रोल है। जिस मैदान पर अफगानिस्तान के आखिरी दोनों मैच खेले गए, उस मैदान पर स्पिनर्स को अच्छी मदद थी और सब जानते हैं कि अफगानिस्तान के पास क्वालिटी स्पिनर्स है। इसी वजह से BCCI ने ICC के साथ मिलकर उस पिच पर अफगानिस्तान का मैच स्केड्यूल किया। BCCI अफगानिस्तान की मदद कर रही है, जो कि गलत है। मैच के बाद राशिद खान ने भी भारत को शुक्रिया कहा। वहीं सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद राशिद ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में रोहित के साथ एक फोटो डाला, फिर अफगानी फैंस ने भारत का झंडा लहराया। ये बताता है कि भारत अफगानिस्तान का मदद कर रहा है। दोस्तों, शोएब अख्तर और शाहिद अफरीदी को अब वसीम अकरम ने करारा जवाब दिया है। अकरम ने कहा, हम पाकिस्तानियों का रोना कभी बंद नहीं होगा। मुझे समझ नहीं आता शोएब अख्तर और शाहिद अफरीदी क्या सोचकर ऐसा बयान दे रहे हैं। भारत तो खुलेआम अफगानिस्तान को सपोर्ट करता है, तो इसमें गलत क्या है? वो एक छोटी टीम को उभरने में मदद कर रहे हैं। BCCI ने उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज होस्ट करने की परमिशन भी दी है। वही भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर अफगानिस्तान के लिए मौका बनाया सेमीफाइनल में जाने का। भारत उनकी इतनी मदद कर रहा है, तो अगर वो तिरंगा लहराकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? अख्तर और अफरीदी को अफगानिस्तान की तारीफ करनी चाहिए, उसके बजाय वो भारत पर इल्जाम लगा रहे हैं, ये बेहद ही शर्मनाक है। दोस्तों, अख्तर और अफरीदी को तो वसीम अकरम ने ही मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें।